यार देखिए, ये जो बाइक वाला है रॉन्ग वे पे आ रहा है बस के सामने, बट उसमें बाइक वाले की गलती नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों नहीं है। ये जो सामने देख रहा है मैकडोनाल्ड्स, वहाँ से रिलायंस से एक सर्विस रोड आ रहा है जो मैकडोनाल्ड्स में ख़त्म हो जा रहा है। नवी मुंबई सिडको ने क्या प्लान किया है कि वहाँ तक सर्विस रोड रखा है और बाद में ये जंक्शन को वो सर्विस रोड टच होना चाहिए था, पर वो नहीं हो पाया। सर्विस रोड है अभी, ये सर्विस रोड जो है जो 10-15 या 20 मीटर का जो जगह है उसकी वजह से ये स्टॉप हो गया है। ये देखिए ऑटो वाला आ रहा है, देखिए कितना रिस्क लेके आएगा वो, है ना, रिस्क है ना ये। अभी कार, टेम्पो, ट्रक वो भी इसी तरह से आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो एरिया है ब्लॉक हो गया है। ये रिक्शा वाला रॉन्ग वे से जाएगा क्योंकि यहाँ पे सर्विस रोड जो है, यहाँ का रिलायंस से आने वाला जो सर्विस रोड है यहाँ पे बंद हो गया है। सो ये रॉन्ग वे से जाएगा। ओके, सो इट्स रिस्की जगह है, अगर डिस्प्यूट है तो इसको रिजॉल्व करके आधी जगह लेके सर्विस रोड बनाना चाहिए। सी तो मेरी सिडको और NMMC से यही रिक्वेस्ट है कि कोई भी एक्सीडेंट हो उसके पहले आप ये सर्विस रोड कंप्लीट कीजिए।